गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक दैट इज द हार्ट. नाउ व्हाट इज द हार्ट? सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हार्ट एंड यू नो व्हाट इज द हार्ट. नाउ देर इज अ ब्लड इन अवर बॉडी. एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, देर इज अ ब्लड फ्लोइंग इन अवर बॉडी विच इज रेड इन कलर. वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीद इन. जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं अंदर? एयर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस. अवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, द फूड विच वी ईट दैट गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्टमक. इट इज अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी. अभी आप सोचोगे कि ये जो डाइजेस्टेड खाना है ये कैसे जाता है फिर पूरे बॉडी में. तो जैसे एयर पास होता है थ्रू द ब्लड, वैसे ही सेम जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो भी एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी में पास होता है थ्रू द ब्लड. फॉर दिस पर्पजेज इट इज़ नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट ब्लड फ्लोइंग शुड डू थ्रू द ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स है. इट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग. सो हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है? वॉट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? दैट कीप द ब्लड फ्लोइंग. ब्लड फ्लोइंग का जो काम है वो हार्ट करता है. द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी. एज वी हैव सीन वेयर इज द थोरेसिक कैविटी, सी हियर इज द थोरेसिक कैविटी एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी अ लिटिल टू इट्स लेफ्ट. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन वंस फीस्ट. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन वंस फीस्ट मीन्स सी लाइक दिस. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन वंस फीस्ट. इससे थोड़ा सा बड़ा होता है हार्ट. द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल. ये जो इसके वॉल्स है हार्ट के वो फ्लेक्सिबल होते हैं. नाउ सी द लोकेशन, हियर दे हैव गिवन अस द लोकेशन ऑफ द हार्ट. हार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे द लोकेशन ऑफ द हार्ट, बॉडी के थोड़े से लेफ्ट साइड में. ओके, अ न्यू टर्म. व्हाट इज अ न्यू टर्म? द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? द हार्ट बिकम स्मॉलर. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स हार्ट क्या होता है? स्मॉल होता है. और द हार्ट रिलैक्सेस. द हार्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट इस पोजिशन में है तो वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है मीन्स और छोटा होता है और फिर रिलैक्स होता है मीन्स वो वापस अपने पोजिशन में चला जाता है. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन हार्ट रिलैक्सेस. ओके, नाउ ट्राई दिस. टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. यू हैव टू टेक अ बॉटल विच शुड बी फ्लेक्सिबल. टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल. बॉल पेन की आपको रिफिल लेनी है. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लिड ऑफ द बॉटल. ये जो बॉटल के ऊपर की लिड होती है या फिर ढक्कन, उसको सेंटर में आपको होल बनाना है. द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल. और वो जो रिफिल आप अंदर डाल रहे हो वो टाइटली बैठनी चाहिए वो लिड के होल में. नाउ फिल द बॉटल विद द वॉटर. यू हैव टू फिल द बॉटल विद द वॉटर. फिट द लिड विद द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल. मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द रिफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शॉर्ट टिप प्रोजेक्ट्स आउटसाइड. इट विल मेक इट ईजियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या करना है? बॉटल में पानी लेना है और रिफिल को अंदर डालना है और टाइटली उसे होल में फिट होनी चाहिए, ऐसे ही रखना है और टाइटली आपको लिड भी लगा लेना है. नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन द बोथ हैंड्स. जैसे इस गर्ल ने या फिर इस लड़की ने जैसे इस बॉटल को पकड़ा है वैसे आपको उस बॉटल को पकड़ना है, लेकिन ध्यान रखना है कि बॉटल जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज. और बॉटल को आपको प्रेस करना है मीन्स ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना है और फिर उसे छोड़ देना है, लीव इट लूज. डू दिस 3 or 4 times. 3 से 4 बार आपको ये क्या करना है. वॉट डू यू सी. अभी आपको क्या दिखाई देगा? When the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing out.
जैसे आप बॉटल को प्रेस करोगे आपको दिखाई देगा कि वाटर ऐसा स्प्रेड हो रहा है ऊपर के साइड में, वाटर फ्लोज आउट इन अ जेट, जैसे फाउंटेन होता है ना वैसे होता है। और जैसे आप वो बॉटल को रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, तो पानी फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। व्हाट डज दिस टेल अस, ये क्या बताता है हमें? इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड स्पेस, अगर बंद स्पेस में मीन्स क्लोज स्पेस में बंद जगह पे अगर आप लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करते हो, द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेर एवर इट फाइंड्स आउट अ वे, मीन्स लिक्विड जोर से बाहर आ जाएगा जहाँ से उसे स्पेस मिलेगा। नाउ ट्राई दिस, प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट। अगर आपने आपका पाम आपके हार्ट पे रखा और आपको आपने उसे ऑब्जर्व किया या फिर फील किया तो आपको आपकी हार्ट बीट फील होगी। नाउ सी द नेक्स्ट, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज पुश्ड फर्दर एंड फर्दर। नाउ व्हाट डज दिस मीन, मीन्स द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग। हार्ट का पंपिंग शुरू रहता है मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, वैसे कंटिन्यूसली चलता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड, जो खून होता है हार्ट के अंदर वो पुश होता है इनटू ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसमें वो ब्लड पुश होते जाता है। एंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जैसे ही वो हार्ट अपने जगह पे वापस आता है, इट इज पुश्ड फर्दर एंड फर्दर। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, यू कैन फील द थ्रॉबिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स। अगर ये आपको पूरा फील करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके चेस्ट के ऊपर आपको लेफ्ट साइड में आपका हैंड रखना पड़ेगा आपके हार्ट के ऊपर, तो आपको ये हार्ट बीट्स सुनाई देगी या फिर फील होगी। एट द रिस्ट देयर इज अ ब्लड वेसल दैट फ्लोज वेरी क्लोज टू द स्किन, इफ यू प्लेस योर फिंगर्स देयर यू कैन फील द हार्ट बीट्स, दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स। नाउ एट द रिस्ट मीन्स एट दिस, this is your wrist, there is a blood vessel that flows very close to the skin, skin ke yahan pe ek blood vessel hai. If you place your finger, agar aap aapki finger aise rakhte ho, you can feel the heartbeats, means aapko yahan pe bhi heartbeat sunai dege, this is called the pulse. ye pulse kaun check karta hai, when you go to the doctor, doctor first checks your pulse, okay. Now do you know, When we are sleeping quietly, the pulse becomes slower. जब हम सोते हैं तो हमारे पल्स जो है वो स्लो वर्क करते हैं। When we are running, the pulse becomes faster. और जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमारे जो पल्स होते हैं वो फास्ट होते हैं। ये आप लोग फील कर सकते हो when you are running. Use your brain power. When the heart contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessels. What could be the reason for that? You have to find out this. Now see the next is lungs. First we have seen about the heart. Next we are going to learn about the lungs. So this is the picture of the lungs. When we breathe in, we take air in through the nose. जैसे हम breathing और breathe out करते हैं, वो किससे करते हैं? हम nose से. So when we breathe in, we take in air through the nose. The internal organs through which this air is supplied to the body are called lungs. अभी हमारे पूरे body में जो air pass होती है वो किससे होती है? Through the lungs. It is supplied to the body through the lungs. We have two lungs. कितने lungs है हमारे body में? Two lungs. और lungs के यहाँ पे देखो आप heart भी देख सकते हो. They are situated in the thoracic cavity. जैसे मैंने बोला था हार्ट भी थोरैसिक कैविटी में है, वैसे ही लंग्स भी थोरैसिक कैविटी में है. वन ऑन द राइट एंड अदर ऑन द लेफ्ट, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है. द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में ये थोड़ा
थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हार्ट सिचुएटेड है. देर द लेफ्ट लंग हैज़ अ स्लाइट डिप्रेशन. लेफ्ट लंग में थोड़ा सा डिप्रेशन है. द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग. और जो हमारा राइट लंग होता है राइट साइड, अभी आपको आपके राइट साइड में देखना है, जो आपका राइट लंग होगा वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है. अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन इनटू द लंग्स. और हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे एयर पास होती है लंग्स में. इट इज कॉल्ड अ विंड पाइप. उसे हम बोलते हैं विंड पाइप. अ विंड पाइप सेपरेट्स इनटू टू ब्रांचेस. और ये जो विंड पाइप होती है बॉडी के अंदर वो टू ब्रांचेस में सेपरेट आउट होती है. ईच ब्रांच इज कॉल्ड अ ब्रोंकस. वो ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकस. व्हेन वी ब्रीद इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल. जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं. दैट इज वाई अवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रीद इन. इसलिए हमारी चेस्ट क्या होती है, वो स्वेल अप होती है जैसे हम ब्रीद इन करते हैं. ये आप लोग फील कर सकते हो. व्हेन यू ब्रीद इन योर चेस्ट गोज बिगर, इट स्वेल्स अप. और जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी चेस्ट जैसे के वैसे पोजिशन पे आती है.